as Alaikum -al myself is Anamusfa, then my presentation topic is pedigree analysis. First of all, I will talk about the definition of pedigree analysis. Pedigree analysis was developed to understand the inheritance of genes from parent. ऑफ स्प्रिंग फैमिली दे आर अलॉन्ग विदैमिली में इसका यह मतलब होता है कि जब भी किसी भी डिजीज को देखेंगे तो उसके पहले के पेरेंट्स यानी कि उसके पहले के पेरेंट्स में वो डिजीज होगी और उनके पेरेंट्स से उसके ग्रैंड पेरेंट्स में भी ये ट्रांसफर्ड हो रही होती है तो उसकी बेसिस की बना पर उनके बच्चों में भी ये जो होती है डिजीज वो ट्रांसफर्ड हो रही है तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं पैडिगरी एनालिसिस कहा जाता है और सेकंड बात ये आती है कि सबसे पहले हमने डिग्री को समझने के लिए हमने सिंबल को देखना होता है जैसे कि यानी कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि फीमेल को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है और मेल को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बाद अगर हमने डिजीज़ को देखना है तो इसमें क्या देखेंगे इसमें यानी कि डार्क सर्कल हमें नज़र आएंगे तो अगर डार्क सर्कल नजर आएंगे तो उसमें यानी कि ये या अफेक्टेड है यानी कि इस मेल या फीमेल में डिजीज़ है तो अगर उसके बाद अगर मेल न, मेल और फीमेल के बाद अगर उनके चाइल्ड में भी जो सिंबल होगा वो अफेक्टेड हो गए यानी कि उसमें सर्कल डार्क सर्कल नज़र आएगा तो वो भी अफेक्टेड होगी यानी कि उनमें से भी कोई ना कोई डिजीज़ पैदा हो जाएगी उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की तो इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती है इसकी टाइप्स फोर किस्म की होती है सबसे पहले टाइप्स होती है डोमिनेंट होती है रिसाइसिव होती है एटोसोमल होती, होती है और एक्स लिंक्ड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की एटोसोमल डोमिनेंट तो एटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है तो ये दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं क्यों एक एटोसोम्स क्रोमोसोम्स होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है तो ये दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि जो भी डिजीज़ होगी वो एटोसोम्स में होगी या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होगी हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि ट्वेंटी थ्री ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं तो उनमें से ट्वेंटी टू जो होते हैं वो एटोसोमल होते हैं और उनमें वन जो होते हैं वो हो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अगर एटोसोमल डिजीज की वजह से है तो एटोसोमल कहते हैं या फिर इसको हम एटोसोमल ट्रेयर्स भी कहा जाता है एंड देन हम यानी कि ये बात करते हैं कि अगर कैपिटल कैपिटल ए आएगा तो वो क्या जाहिर करेगा ये डोमिनेंट है तो अगर हम सीज आईव की बात करेंगे तो वो कैपिटल और स्मॉल ए आएगा और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें यानी कि दो किस्म के डोमिनट रि सीजा में क्या होता है कि टू किस्म के सेक्स होते हैं एक एक्स सेक्स होता है और एक वाई सेक्स होता है जैसे कि आप ये बात करें यानी कि ये अफेक्टेड पेरेंट और एक अनफेक्टेड है तो अन तो इसमें यानी कि ये बात कर रहे हैं कि नीचे भी अनअफेक्टेड होगा अन चाइल्ड हो गए यानी कि फिफ्टी परसेंट ये इसमें होता है कि कुछ अनफेक्टेड भी होते हैं यानी कि सारे चाइल्ड जो थे वो अफेक्टेड ही होते हैं है। उन उनमें से फिफ्टी परसेंट यानी कि उनकी होती है कि वो अनफेक्टेड और फिफ्टी परसेंट जो थे वो अफेक्टेड होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोसोमल साइज सीव की यानी कि वो इसकी टाइप्स होती है तो इसमें क्या होता है ये मोस्ट अफेक्टेड चिल्ड्रन हॉफ नॉर्मल पेरेंट्स और ये हेट्रोजाइकोट होते यानी कि कोई भी जनरेशन को स्किप नहीं करता यानी कि इसमें जो डिजीज़ होती है वो हर जनरेशन में डिजीज आती है इसमें ये बात कही गई और कभी भी कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है इसके बाद हम बात कर हम नेक्स्ट हम ये बात कही अगर वो डोमिनेंट होमो या हेट्रो दोनों स्टेट में मौजूद हो तो वो दोनों स्टेट में करेगा यानी कि अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए होगा तो अफेक्टेड होगा और कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा तो वो वो भी अफेक्टेड होगा अगर स्मॉल ए स्मॉल ए होगा तो वो क्या होगा अनअफेक्टेड होगा होगा इनके जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अनअफेक्टेड कैरियर फादर और अनअफेक्टेड कैरियर मदर तो अनअफेक्टेड कैरियर फादर से यानी कैपिटल आर और आर यानी कि जब ये एक दूसरे से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह अनफेक्टेड इन फोर चांस होंगे तो उसमें टू इन फोर चांस होंगे यानी कि इसमें तो उसके बाद अनफेक्टेड फादर में भी इन फोर चांस होंगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लिंक्ड सीजाइ पेडिग्री डिग्री के तो इस तो इसमें क्या बात करते हैं कि यानी कि इसमें यह बात हो रही होती है कि जो होती है पेडिग्री लिंक्ड तो ट्रेड्स इज मोर इन पेडिग्री ट्रेअ स्किप जनरेशन अफेक्टेड फादर डू नॉट पास टू देयर आर सन्स मेल्स आर मोर आफ्टर अफेक्टेड दैन फीमेल यानी कि इसमें डू नॉट स्किप द जेनरेशन होती है और इसमें अफेक्टेड फादर होता है यानी कि जैसे कि फादर का जो होगा वो डॉक्टर के साथ रिलेशन होगा उस फादर में अगर कोई डिजीज होगी तो वो डॉक्टर में होगी डॉक्टर में अगर मदर में होगी तो उसमें सन में होगी ये डिजीज़ यानी कि ये एक क्रॉस एक्स यानी कि लिंक्ड होता है फादर और मदर में और उसके बाद हम बात करते हैं यानी इस कि इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड फादर से अफेक्टेड डॉक्टर यानी कि वही बात करें यानी कि ये एक क्रॉस रिलेशन होता है एट द एंड हम यही बात कर, हम बात करेंगे कि यानी कि ये बात करेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या था कि यानी कि जैसे कि ये देखो देखें कि इसमें हमें सर्कल डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं यानी कि फुल सर्कल है तो नेक्स्ट इनके जब पेरेंट्स में की बात आएंगे तो उसमें भी डार्क की सर्कल होगी यानी कि उनमें भी डिजीज़ होगी लेकिन यानी कि इसमें यह बात की जाती है कि जब यानी कि हम Uh, कोई भी यानी कि शादीशुदा जोड़ों की बात करते हैं तो इसमें यानी कि डिजीज़ एक दूसरे से फॉरवर्ड होती है यानी कि अगर उनके यानी कि उनके पेरें के जब किसी बच्चे में होती है तो वो बच्चों में डिजीज़ कैसे आती है उनके पेरेंट्स से अगर हम पेरेंट्स को देखें कि उनमें भी अगर डिजीज़ होती है तो वो किस वजह से आती उनके ग्रेड ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से तो यहाँ पे स्केच में भी दिखाया गया कि ये कैसे कैसे डिजीज़ एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर्ड होती है तो And thanks so much, and...